दिल्ली स्वराज के ऊपर मैं खुद पिछले एक दो महीने से काम कर रहा हूँ, प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ, मैं साथी दिनेश से उस बारे में बात की, साथी रजत से बात की, और हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और लोग कहते हैं राजनीति करते हैं, जेएनयू के लोग राजनीति करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग राजनीति करते हैं, हम लोग इसलिए राजनीति करते हैं ताकि समाज को बदल सके, आपकी तरह लोगों को मरवाने के लिए राजनीति नहीं करते। साथियों, जब दलित स्वराज की हम बात करते हैं तो एक ऐसा देश, ऐसा परिप्रेक्ष्य देखिए, दलितों को हर गांव के अंदर जमीन अलॉट होती है, बीपीएल परिवारों को। मैं पूछता हूं कितना कब्जा मिलता जमीन का, बहुत कम लोगों को। शहरों में रूल है जिसका घर नहीं उसको 50% घर दिया जाए बना बनाया, कितनों को मिला, बहुत कम लोगों को, इनफैक्ट मिला ही नहीं है। हम बोलते हैं कि हरियाणा में एक दलित बोर्ड का गठन हो, आज एक मांग उठानी पड़ेगी जो कि बाबा साहब ने 1932 में उठाई थी, हरियाणा में दलित बोर्ड का गठन हो, सेपरेट इलेक्टोरेट से हो, उन लोगों को चुन के भेजे केवल दलित समाज के लोग, और वो लोग चुनेंगे उस बोर्ड को तभी उनके हित की बात करेगा। जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक यहाँ पर संपन्न जाति के लोगों की सरकारें रही हैं, जिसके कारण वो इतने शक्तिशाली हो गए हैं, वो अपने आगे आप किसी को कुछ नहीं समझते, और हरियाणा में जो हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार में उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, पुलिस में, प्रशासन में, सभी जगह उनके अधिकारी लोग बैठे हुए हैं जो केवल अपनी कौम की वफादारी करने का काम करते हैं। उनके लिए हम लोग जो है दलित समाज के लोग, उनके लिए कीड़े मकोड़ों के बराबर है। हमारी जो मांगे थी, जिनको लेकर के पीड़ित परिवार बैठे थे यहाँ 9 फरवरी से, कोई नाजायज मांगे नहीं थी, और हम इनसे भीख भी नहीं मांग रहे थे, हमारे अधिकार थे, अपने अधिकार मांग रहे थे टंके की चोट पे, और बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल करके संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के, बिल्कुल संविधानिक तरीके से हमने धरना चलाया। आप लोगों ने इस मनुवादी सरकार को जता दिया कि हम लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया, और अब जब तक जिंदा रहेंगे अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, हम मरते दम तक अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, किसी जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इस देश के मेहनत करने वाले मजदूर और इस देश के दलितों के दो प्रमुख शत्रु हैं, एक शत्रु है ब्राह्मणवाद यानी कि जाति व्यवस्था, और दूसरा शत्रु है पूंजीवाद यानी कि वो व्यवस्था जो हमारा आर्थिक शोषण करती है। कि इस देश में यदि 100 दलित हैं तो उसमें 90 से ज्यादा लोग मजदूरी करने वाले, एक श्रमजीवी मेहनत करने वाला दलित है। स्वराज, सच्चा स्वराज वो होगा जब इस देश की जमीन, इस देश के प्रमुख इंडस्ट्रीज और इस सारी संपत्ति के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, तब हम कहेंगे कि सच्चा स्वराज मिला।